तो आज का क्यों इन्हें शुरू करते हैं देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे हैं आप लोगों ने आर यू वर्जिन सॉरी सवाल दोबारा पूछना आर यू वर्जिन नेक्स्ट ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन इज क्या आप मेरे बच्चों की फादर्स डे की विश बनोगे काफी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्या आप हमारे किसी इवेंट में चीप गेस्ट बनकर आएंगे Not, it's cheap. Guest. Next. Uh, ओयो बहुत लिखा है आपने तो ओयो कितनी बार गए हो बहुत ओयो करते हो और कितने पैसे दिए <laughs> अरे यार ये तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये सवाल मतलब पीछा छोड़ने ही वाला नहीं है ये जब ओयो का दौर नहीं था तो उस वक्त पार्क में किए वो सारे वादे आज कच्चे हो गए पांच साल यूपीएससी की तैयारी क्या करी मामा मामा बुलाने वाले उसके दो बच्चे हो गए तो यार ये कहीं ना कहीं सच्चाई है जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है वो जानता है कि उसको इतना टाइम चाहिए होता है नहीं मिल पाता फिर उसकी शादी किसी और से हो जाती है तो मतलब इसका देखो ओयो से कोई लेना देना नहीं है और मैंने यार आज तक मुझे नहीं पता भाई ना ओयो ने पैसे दिए और मैंने भाई आज तक ऐप भी नहीं इंस्टॉल करी है नेक्स्ट नहीं वैसे काफी सच्ची शायरी थी तो शादी का क्या सीन है आपका शादी का यार देखो ऐसा सीन है कि मैंने इसीलिए दाढ़ी कटवा ली जैसे अब मैं हो गया हूँ ट्वेंटी सेवन प्लस तो घर वाले जब भी बात बात करते हैं ना कि शादी वादी करनी चाहिए ये वो फलाना फलाना जो भी वो मतलब मेरे से सवाल वगैरह करते हैं तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट डे मैं शेव कर लेता हूँ तो सत्ताईस का लड़का उन्होंने रातों रात अगले दिन मतलब उन्हें <laughs> सत्रह का दिखाई देता है सिंपल सा फंडा ये है अमेजिंग सिर्फ लड़कियों के अगेंस्ट ही क्यों लिखते हो आप मतलब बहुत बहुत कंप्लेंट्स इस बारे में अरे यार अब तो ना एक तो ये चीज नहीं समझ आती कि लड़कियों के अगेंस्ट कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि मेरी कोई ऐसी पर्सनल कोई खुंदस नहीं है जो भी आज तक मैंने कंटेंट लिखा है वो दोनों मतलब मैं बात करूंगा जेंडर्स के लिए बिल्कुल इक्वली सेम है दोनों जेंडर्स के लिए बिल्कुल सेम है कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ लड़के ही बेवफा होते हैं लड़कियां बेवफा नहीं होती है लड़कियां बेवफा होती हैं लड़के नहीं होते क्योंकि देखो ताली दोनों हाथ से बजती है जब तक वो गाल पर ना हो ठीक है तो बस बात यह है कि मैं एक लड़का हूं तो मैं यार वो जो शायरिया बोलता हूँ वो जनरली लगता है कि सिर्फ मेल की तरफ से कि अगर मैं आपको बात करूं कि बे बेफिजूल का नाटक किया था सब बेफिजूल था क्या क्या उस रात सच में तेरी मौसी के लड़के का फोन था क्या तो वो ऐसे भी हो सकता था कि बेफिजूल का नाटक किया था सब बेफिजूल था क्या क्या उस रात सच में तेरी बुआ के लड़के का फोन था क्या <laughs> तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार दोनों जेंडर इक्वली रिस्पॉन्सिबल जस्ट की मैं एक मेल हूँ तो मैं उस आ, वो जो शायरी बोलता तो लगता है कि मैं सिर्फ फीमेल्स के अगेंस्ट बोल रहा हूँ यू फाट आई रिपीट द क्वेश्चन डू यू फाइट? नेक्स्ट मंथली इनकम क्या है आपका कितना कमा लेते हैं यार बस इतना है है कि ना बैंक वाले जो है, वो घर पे नहीं आते मेरे ठीक है बस इतना है कि बैंक वाले मेरे घर पे नहीं आते और जो भी हैं वो मैं टाइम पे चुका देता हूँ सिबिल बढ़िया मेंटेन चल रहा है और क्रेडिट कार्ड वाले रोज दिन में तीन बार फोन करके मतलब याद दिलाते हैं कि हाँ भैया तुम्हारा तो सिबिल अच्छा तुम कार्ड बनवा अच्छा है फेवरेट सॉन्ग मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है यार ये ना मेरा मतलब ऑल टाइम फेवरेट है एंड मैं इसे कहीं भी गाना शुरू कर देता हूँ देखो ऐसा है कि जो ये लाइन है ना पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आज तक कुछ मैंने सुना है या आज तक इससे अच्छा कुछ लिखा भी गया है से क्यों निकाले अरे भाई चीज़ चीज़ चीज़। देखो यार कैसा था कि पहली बात तो ये निकालने वाला जो सीन है उसमें मैं बताऊं कि फाउंडर होता है उसे निकाला नहीं जाता कभी भी आप लोग भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो तो फाउंडर को तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि एक टाइम पे तो फाउंडर थे यार मैंने खुद ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना यार कि अगर अगर आप पिंजरे में बंद होना तो और अगर आप पिंजरे में बंद होना और आपकी जो उड़ान है वो आसमान से भी ऊंची है ना तो शायद फिर वो पिंजरा तोड़ के निकल जाना चाहिए कहीं आगे निकलने के लिए ना बहुत आगे निकलने के लिए कुछ हाथ छोड़ने पड़ते हैं आप सर बहुत कहते हो इसका कटा उसका कटा सबका कटेगा तो उसी पे था कि अप्रोक्सीमेटली आपका कितनी बार कटा है एक बार प्लीज कम पड़ गई <laughs> एक बात जो आप अपना वो खुद बोलते हो डेली बोलते डेली मैं आईने के आगे खड़ा होता हूँ ना तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ चीज प्यारी है अपना ख्याल रखे सेल्फ लव आप बहुत शरीफ हो आ, पर ऐसा है नहीं। यार देखो ऐसा सीन है ना कि मैं ना बहुत कम लोगों से बहुत ज्यादा बात करता हूं बस इस लाइन को तुम डिकोड कर रहे ना इसी में आंसर है ठीक है अच्छा नेक्स्ट बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है अच्छा एक्स का नाम क्या है बेवफा नेक्स्ट वाह अमेजिंग Uh, जो सभी पब्लिक होता है कंप्लेन के आप हमें रिप्लाई क्यों नहीं कर अरे यार पता है क्या देखो आप लोग जो हो ना आप लोगों से ही मैं हूं ठीक है और आप लोग ना बिल्कुल टूरू लव हो पता है बिल्कुल टूरू लब ठीक है <laughs> अब ऐसा सीन है ना कि यार बहुत सारे डीएम्स आते हैं एक दिन में आठ आठ सौ नौ नौ सो हजार हजार डीएम्स आते हैं जिसमें मतलब ऐसा होता है कि मोस्ट डीएम तो ये तो सर हमें प्रमोट कर दो हमारा ये कर दो हमारा पेज दो वो मेरे लिए बिल्कुल प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है ठीक है कि हम किस किस को यार सपोर्ट करें किस किस का पेज हम शेयर करें और यार ऐसा होता है ना कि कमिटमेंट्स ऐसी हैं कमिटमेंट्स इन द सेंस कि वर्क कमिटमेंट्स ठीक है लेट मी क्लैरिफाई वर्क कमिटमेंट्स तो यार ऐसा सीन है कि ना हमें पूरे टाइम ट्रैवलिंग वगैरह का भी काम रहता है कि कभी इस सिटी में जाना शोज करने इवेंट्स करने तो यार नहीं हो पाता है बट ना आप सब लोग मोहब्बत हो कमेंट्स पढ़ता हूँ रीशेयर्स पर रीशेयर्स देखता हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लगता है आ, तो आज क्यों नहीं था इट्स वेरी गुड टू सी यू एंड में बस मैं इतनी चीज कहना चाहूंगा कि खुद पर विश्वास रखना है ठीक है लाइफ विल थ्रो मेनी क्वेश्चंस ऑन यू ठीक है एट द एंड आप ही हो जो हो ठीक है लोगों के कहने से ना तो आप नीचे गिर जाओगे ना उनके कहने से आप ऊपर उठोगे